नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम मैथ का एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिसका नाम है दोस्तों प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पर्यक्ता, या दोस्तों आप इसको क्या बोल सकते हो, अगर बात करें तो आप इसको कैन भी बोल सकते हो, क्योंकि कैन का मीन क्या होता है, सकता है, सकते हैं और सकती है दोस्तों। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है ये काफी खास टॉपिक है दोस्तों। इसके अंदर पीछे भी एग्जाम के अंदर ग्रुप डी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे एक प्रोबेबिलिटी के अंदर बात करें कॉइन्स पर, कि एक सिक्के को अगर 6 बार लगातार उछाला जाएगा तो मैक्सिमम जो संभावना होगी, जो मैक्सिमम केस होंगे वो कितने होंगे। इस तरह से दोस्तों इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और दोस्तों रेड बॉल बॉल दे देगा आपको, लाल बॉल, पीली बॉल, ऑरेंज, इस तरह से दोस्तों बॉल पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये काफी फेमस टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी का। तो आइए दोस्तों इसको वन बाय वन करके जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना कि ये प्रोबेबिलिटी, पर्यक्ता, इसका मीन क्या होता है, ये क्या चीज है जिसको दोस्तों आप क्या बोल सकते हो, संभावना भी बोल सकते हो। यहां पर दोस्तों हम कहते हैं कि ये काम कर सकते हैं, यानी सत्ता का मीनिंग क्या होता है कि ये जो काम होता है इसके दो पहलू निकलते हैं, या तो वो काम होगा या काम वो नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो फार्मूला बनाया गया है, आपने पढ़ा भी होगा PE not is equal to 1, ये दोस्तों फार्मूला प्रोबेबिलिटी का है, PE plus PE not is equal to 1। अगर इसको देसी भाषा में बात करूं तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, हां प्लस ना बराबर 1। यानी प्रोबेबिलिटी संभावना का मीनिंग यही होता है, जैसे मैंने आज संभावना लगाई कि आज बारिश होगी। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन ये कंफर्म होता है कि एक काम होगा ही होगा, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। इसलिए दोस्तों इसका फार्मूला क्या रखा गया है, PE plus PE not is equal to 1, यानी हां या ना, इन दोनों में से एक काम होगा ही होगा। इसलिए दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला रखा गया है। दोस्तों इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उस एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया, उसने बोला PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी चीज की घटना घटने की, हां में घटना घटने की, मान लो आपको प्रोबेबिलिटी दे देता है वो 0.153। तो आपसे पूछेगा दोस्तों, पूछे चाहे ना पूछे, ये आप भी आइडिया लगा सकते हो, अगर वो हां की प्रोबेबिलिटी दे रहा है तो हमें ना की निकालनी पड़ेगी, यानी कितने परसेंट संभावना है ना होने की। दोस्तों अगर बारिश आने की इतने परसेंट संभावना है तो ना आने की कितनी होगी, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ना की आ जाएगी। अगर ना की दे रखी है, हां की निकालनी है, तो भी दोस्तों हम क्या करेंगे, एक में से माइनस कर देंगे। अगर 50% हां की संभावना है तो एक में से जब हम 50% माइनस करेंगे तो 50% किसकी आ जाएगी दोस्तों, ना की आ जाएगी। तो अब इसको माइनस कैसे करना है दोस्तों, ये थोड़ा सीख लीजिए। हमने एक में से 0.153 माइनस करना है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, एक के पीछे पॉइंट लगाकर आप कितनी जीरो लगाओगे, जितनी इस पॉइंट के बाद आपको संख्याएं दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं तो 3 जीरो, 4 दे रखी हैं तो आप क्या लगाओगे, 4 जीरो। अब जब माइनस करोगे 153, तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पीई नोट। तो माइनस करा तो क्या आएगा, 9.4, और यहां पर क्या आएगा, 8.0, यानी कि 0.847, ये आपकी पीई नोट आ जाएगी। यानी कि किसी भी चीज का पूछ सकता है दोस्तों, जैसे उसने क्या बोला होता कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन, उसने गैस लगाया है कि इन दो स्टूडेंटों का जन्मदिन इस तारीख को होने की संभावना इतनी है,
तो ना होने की बताओ भी इन दोनों का जन्मदिन ना होने की संभावना बताओ तो दोस्तों एक में से माइनस कर देंगे। इस तरह से दोस्तों किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे बारिश पर आ जाए, चाहे विद्यार्थियों पर आ जाए, चाहे आप पर सिक्के पर आ जाए, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि एक सिक्के पर हेड आने की जो संभावना है वो इतने परसेंट है, वो आपसे पूछ सकता है ना आने की बताओ, तो दोस्तों हमने क्या बार बार ये याद रखना है कि चाहे हां की संभावना निकालनी है, चाहे ना की निकालनी है, चाहे पीई निकालना है, चाहे पीई नोट निकालना है, आपने एक में से माइनस करना है। ये दोस्तों आपका जो फार्मूला था उसको मैंने एक्सप्लेन किया एक एग्जांपल के माध्यम से। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं जो सबसे फेमस जो क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी के अंदर पूछे जाते हैं तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है क्वाइंस पर, दोस्तों क्वाइंस और डाइस पर, क्वाइंस और डाइस पर दोस्तों एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम इनको वन बाय वन करके अच्छे तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वाइंस। क्वाइंस मीन क्या होता है दोस्तों, आप भी जानते होंगे, किसको बोलते हैं हम हिंदी में, सिक्का। क्वाइंस का मीन क्या होता है, सिक्का। जैसे दोस्तों आपको पता भी होगा कि एक सिक्के के कितने दो पहलू, एक कहावत भी सुनी होगी एक सिक्के के दो पहलू। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो सिक्का होता है इसकी दो साइड होती है, एक साइड को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेड बोलते हैं, और दूसरी साइड को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब दोस्तों मैंने क्या किया कि एक सिक्के को एक बार ऊपर उछाला, जैसे टॉस करते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता है कि ये आप कंफर्म नहीं बता पाओगे कि हेड आएगा या टेल आएगा। दोस्तों वो क्या आएगा, जरूर, चाहे हेड आए चाहे टेल आए। तो इसको दोस्तों इसीलिए इस क्वाइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस में डाले जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर डाले जाते हैं। तो आइए दोस्तों कितने टाइप के इस सिक्के पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखना सिक्के को क्या उछालें, अगर वन टाइम उछालें, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वन टाइम, दूसरा क्या पूछ सकता है टू टाइम, इसी तरह दोस्तों थ्री टाइम, थ्राइस बोल सकता है या थ्री टाइम कह सकता है, ऐसी दोस्तों फोर टाइम बोल सकता है, ऐसी आपसे फाइव टाइम बोल सकता है, ऐसी दोस्तों आपसे सिक्स टाइम बोल सकता है, ऐसी दोस्तों आपसे सेवन टाइम, एट टाइम। तो आपने दोस्तों घबराना नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट को सेट करना है। अभी एग्जाम के अंदर जो पीछे क्वेश्चन आया था उसने क्या पूछा था कि एक सिक्के को अगर लगातार छह बार उछाला जाए तो मैक्सिमम जो पर्याप्तता है, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, अब ये वन टाइम आ जाए, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, कुछ भी पूछ ले, तो आपने जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या आपने जो टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है या टोटल जो आपने केस बताने हैं वो कैसे बताओगे, कुछ रटा नहीं मारना। आपने क्या याद रखना है दोस्तों कि जब भी सिक्के की बात आएगी तो आप सिक्के के लिए जो बेस याद रखोगे वो रखोगे दो, दो को याद रखोगे, क्योंकि एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। तो आपने क्या करना है, कैसे आंसर देने हैं, अगर क्वेश्चन आए वन टाइम तो दोस्तों दो के ऊपर एक पावर लगा के आप आंसर क्या दोगे, दो। आपको भी पता है अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो दो ही केस बन सकते हैं, जहां तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए दोस्तों जो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो दो बनेगी। अब दोस्तों एक सिक्के को जब दो बार उछाला जाएगा तो आपने दो के ऊपर दो पावर लगा देनी है, और इसको ओपन करोगे क्या आंसर दे दोगे, चार। इसी तरह दोस्तों एक सिक्के को तीन बार उछाला जाए तो दो के ऊपर पावर तीन लगा देनी है, क्या आंसर दे देना है, आठ।
ऐसी चार बार, दो के ऊपर चार पांच बार, दो के ऊपर पांच छह बार, दो के ऊपर छह। तो उस क्वेश्चन में आपने क्या करना था, दो के ऊपर छह रखकर आपने क्या आंसर देना था, 64। दोस्तों ये था, जब भी एक सिक्के को आपसे पूछे एक बार उछाला जाए, दो बार, चार बार, सात बार, आठ बार, दस बार, कुछ भी पूछ ले तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या याद रखना है, सिक्के का बेस याद रखना है कि सिक्के का जो बेस होता है वो दो होता है। दो के ऊपर पावर लगा लगा के, जितनी बार का पूछे, पांच बार का पूछे, दो के ऊपर पांच पावर लगा दो और दो को पांच बार ओपन कर दो, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों सिक्के के बारे में आपको मैंने सिखाया, मैक्सिमम पर्याप्तता आप टोटल केस कैसे बताओगे, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों ये बात मैंने आपके सामने क्लियर करी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो क्वाइंस के तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों, जैसे मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार यानी वन टाइम टॉस किया जाता है, तो हेड आने की पर्याप्तता बताओ, तो टेल आने की पर्याप्तता बताओ। बस ये दो ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा। अब आपको पता है कि जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि दो के ऊपर एक लगाया तो मैक्सिमम कितने केस बनेंगे, दो ही केस बन सकते हैं, दो ही सिलेक्शन हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या दोस्तों टेल आएगा। अब उसने पूछा है हेड आने की पर्याप्तता, तो दोस्तों हेड एक बार ही आ सकता है, तो आंसर क्या आएगा, 1/2। अगर टेल आने की पर्याप्तता, तो दोस्तों उसका आंसर भी क्या आएगा, 1/2, क्योंकि एक सिक्के को जब एक बार ही उछाला तो दोस्तों हेड आए चाहे टेल आए, वो आएगा तो एक बार ही ना, दो बार तो नहीं आ सकता, भी दो बार हेड आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो आपका आंसर चाहे हेड पूछे चाहे टेल पूछे, वो आपका 1/2 ही रहेगा। और अगर आपसे मैक्सिमम केस पूछे तो आपने आंसर क्या देना है, 2 देना है, वो मैंने जस्ट ही 1 मिनट पहले आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप। अब आपसे उसने क्या पूछा कि एक सिक्के को अगर दो बार उछाला जाए तो आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, एक बार हेड आने की पर्याप्तता बताओ, एक बार टेल आने की पर्याप्तता बताओ। इसी तरह दोस्तों कम से कम एक बार हेड आने की पर्याप्तता बताओ, कम से कम दो बार हेड, कम से कम एक बार टेल आने की पर्याप्तता बताओ। इस तरह से दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब आपको ये पता है दोस्तों कि जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो आपको मैंने बताया कि दो के ऊपर पावर क्या रख दो, दो रख दो, तो मैक्सिमम केस कितने बनेंगे, 4। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक सिक्के को लगातार दो बार उछालेंगे तो वो 4 केस कौन से बनते है, तो पहला केस दोस्तों आपका बन सकता है हेड हेड, यानी कि मैंने सिक्के को एक बार उछाला हेड आ गया, फिर दूसरी बार उछाला फिर हेड आ गया, तो हो सकता है तो हेड हेड आ सकता है, या दोनों ही टेल टेल आ सकता है, या दोस्तों एक बार हेड आ सकता है एक बार टेल आ सकता है, या एक बार टेल आ सकता है और एक बार हेड आ सकता है। बस दोस्तों ये 4 ही केस बनेंगे, इसके अलावा 5वां केस बन ही नहीं सकता दोस्तों। तो ये ध्यान देना, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाएगा तो मैक्सिमम जो केस आएंगे वो तो दोस्तों 4 आएंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। अब उसने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि एक बार हेड आने की पर्याप्तता बताओ, तो दोस्तों आप इसमें देखो कि एक बार हेड किस किस में आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो यानी कि आप आंसर क्या दोगे दोस्तों, 3/4, क्योंकि नीचे तो टोटल ही रहेगा,
ऐसे उसने पूछा, एक बार टेल आने की, तो टेल इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया, इसमें नहीं आया, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 3/4। अब उसने पूछा कम से कम एक बार हेड आने की, तब दोस्तों यहां पर एक कंडीशन लग रही है मिनिमाइज, कम से कम, तो दोस्तों यहां पर देखो कम से कम एक बार हेड होना चाहिए, ये लेंगे ये लेंगे, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक बार भी हेड नहीं है, तो इसका भी आंसर 3/4 और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। अगर दोस्तों यहां पर और कंडीशन क्या लगा सकता है, कैसे, कम से कम दो बार हेड आने की, क्या कहेगा कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो कम से कम दो बार हेड आने की प्रायिकता बताओ, कम से कम, ये चीज ध्यान देना दोस्तों। अब इसमें आप देखो कम से कम जो दो बार हेड है वही लेना है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, दोस्तों हेड तो है लेकिन एक बार ही है, उसने बोला दो बार होना चाहिए, नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, तो हमारा केस क्या बनेगा, एक ही, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये था दोस्तों, जब एक सिक्के को दो बार उछालेगा तो आपसे ये दोस्तों 6 क्वेश्चन 5 बता दिया, एक यहां पर कह सकता है कम से कम दो बार टेल आने की, तो उसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों, 1/4 ही आएगा। ये आपसे 6 क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा फेमस है, ज्यादा बार पूछा जाता है, वो क्या केस आता है दोस्तों, वो आता है कि जब एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाता है, यानी कि लगातार 3 टाइम टॉस किया जाता है, तो आपसे दोस्तों वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है कि एक बार हेड आने की प्रायिकता बताओ, एक बार टेल आने की प्रायिकता बताओ, दो बार हेड आने की प्रायिकता बताओ, दो बार टेल आने की प्रायिकता बताओ, 5वां दोस्तों कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता बताओ, या आपसे पूछ सकता है कम से कम दो बार हेड आने की प्रायिकता बताओ, या आपसे कम से कम 3 बार हेड आने की प्रायिकता बताओ, ऐसे ही दोस्तों कम से कम 3 बार टेल आने की प्रायिकता बताओ। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, किस पर दोस्तों, 3 वाले सिक्के पर। तो अब दोस्तों मुझे बताओ कि एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया टोटल केस कितने आएंगे, आप 2 के ऊपर कितनी पावर लिखोगे, 3 लिखोगे। अब 2 को जब 3 टाइम आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, 8। तो दोस्तों ध्यान देना, जब एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो टोटल केस 2 आए, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला गया टोटल केस 4 आए, मैंने आपको समझाया। अब एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो टोटल केस 8 आए। तो दोस्तों पहले तो बताना चाहता हूं कि वो 8 केस कौन से होते हैं। अब देखो दोस्तों, जब एक सिक्के को पहली बार उछाला हेड आ सकता है, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड, यानी पहला केस तो 3 बार हेड आ सकता है, 3 बार दोस्तों टेल आ सकता है। जब आपका पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, या तीसरी बार फिर क्या आया, हेड आ गया, या पहली बार टेल फिर हेड फिर टेल, या पहली 2 बार दोस्तों हेड आ गया फिर टेल आ गया, या पहले 2 बार टेल आ गया फिर हेड आ गया, या पहली बार हेड 2 बार टेल, या पहली बार टेल 2 बार हेड। तो ये दोस्तों कितने केस हो गए आपके, ये आपके दोस्तों 8 केस बनते हैं जब एक सिक्के को 3 बार क्या किया जाएगा, टॉस किया जाएगा। तो अब दोस्तों 1 by 1 करके इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये तो आपको पता लग गया होगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर में जो आंसर आएगा वो तो 8 ही रहेगा, टोटल केस हमेशा नीचे आएंगे। अब ऊपर की बात करते हैं,
तो पहला उसने पूछा कि एक बार हेड, तो दोस्तों यहां पर देखो इसमें भी एक बार हेड है, इसमें सारों में है बस इसको छोड़ के, तो टोटल कितने केस बने? 7 केस बने। तो पहले का जो आंसर आया वो क्या आया दोस्तों? 7/8। ऐसे दोस्तों टेल का भी सेम आएगा, 7/8, यानी कि एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाएगा तो दोस्तों जो एक बार हेड आएगा वो 7 बार आ सकता है दोस्तों, तो आंसर आएगा 7/8। अब देखो दोस्तों 2 बार हेड, तो अब 2 बार हेड देखो दोस्तों, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोस्तों सिर्फ 4 ही केस हैं जिसके अंदर 2 बार हेड है। तो कौन कौन से केस? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो आंसर क्या बना? 4/8। कैंसिल करोगे तो क्या आ गया दोस्तों? 1/8। ऐसे 2 बार टेल भी सेम आएगा, क्या आएगा दोस्तों? 4/8 कट के 1/2। तो अब देखो दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप है ये समझने वाला है, क्या पूछा? कम से कम एक बार हेड, तो यहां पर उसने पूछा है कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो दोस्तों इसको छोड़ दो, सभी में आपको एक बार तो हेड मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी आंसर क्या आ गया? 7/8। अब सेकंड देखो, कम से कम 2 बार हेड, दोस्तों इसमें वो लेने हैं जिनमें कम से कम 2 बार तो हेड हो, इसका भी आंसर क्या आएगा? 4/8, 4 ही केस मिलेंगे। अब कम से कम 3 बार हेड, यहां पर देखो दोस्तों इन 8 में से वो लेने हैं जिनमें कम से कम 3 बार हेड होना चाहिए। अब देखो पहले को देखा 3 बार हेड है, ये लो पहला सिलेक्ट हो गया, इसको देखा 3 बार, क्या 1 बार भी नहीं है, इसको देखा 2 बार है, ये भी काम का नहीं है, इसको देखा 1 बार है, नहीं काम का, तो दोस्तों सिर्फ एक ही केस बनेगा जिसमें 3 बार क्या होगा? हेड होगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/8 आएगा। ऐसे दोस्तों 3 बार टेल का आ जाए तो क्या आंसर दोगे? 1/8 दोगे। तो ये थे दोस्तों क्वाइंस पर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर से ही आज तक क्वेश्चन आया है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बनाने सिखा दिए। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दोस्तों डाइस पर। अब जिक्र करते हैं दोस्तों डाइस का, ध्यान से देखना, डाइस जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं दोस्तों, पासा। अब आपको पता भी होगा जो हमारी डाइस होती है जिसको हम लूडो खेलते थे तब हम इसको सांप सीढ़ी वाला खेलते थे तब हम इसको यूज करते थे, और आपको पता होगा दोस्तों जो हमारी डाइस होती है जो पासा होता है उसके जो फेस होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो सिक्का होता है उसके कितने पहलू होते हैं? 2 बेस होते हैं, 2 ही फेस, 2 ही चेहरे होते हैं। ऐसे दोस्तों एक जो पासा होता है इसके दोस्तों 6 फेस होते हैं, 6 फेस। कौन कौन से दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि एक पासे के जो टोटल केस होते हैं वो दोस्तों 6 होते हैं। तो अब दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि पासे से रिलेटिव क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। एक तो वही क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछेगा? मैक्सिमम केस पूछेगा कि अधिकतर ज्यादा से ज्यादा प्रयक्ता क्या होगी। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि एक पासे को 1 बार टॉस किया जाता है तो जो मैक्सिमम जो केस बनेंगे, तो आप ध्यान देना दोस्तों यहां पर आप जो बेस यूज करोगे वो 6 करोगे। सिक्के में क्या किया? 2 किया। अब इसमें क्या करोगे? 6 क्यों करोगे? क्योंकि एक पासे के 6 फेस होते हैं। तो अब आप उसने पूछा है कि एक पासे को 1 बार टॉस किया जाता है तो मैक्सिमम प्रयक्ता क्या होगी? तो 6 के ऊपर आप 1 पावर लगा के क्या आंसर दे दोगे? 6। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि एक पासे को 2 बार टॉस किया जाता है तो टोटल केस कितने बनेंगे? तो दोस्तों आप 6 के ऊपर 2 लगाकर इसको खोलोगे तो आप क्या आंसर दोगे? 36। ऐसे ही दोस्तों
अगर एक पासे को तीन बार खोला जाए तो मैक्सिमम केस कितने आएंगे, छह के ऊपर आप तीन लगा दोगे, चार बार का बोले छह के ऊपर चार लगा दोगे, पांच बार का बोले दोस्तों छह के ऊपर पांच लगा दोगे। इस तरह से दोस्तों ये जो आपके जो आंसर बनेंगे, यानी कि एक पासे को एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार उछाला जाए तो कितने केस बनेंगे, दोस्तों आपने घबराना नहीं है, बस आपने बेस को याद रखना है, उसके ऊपर उतनी पावर लगा दो, चाहे वो सिक्के का हो, चाहे वो किसका हो, आपका डाइस का हो, आपका दोस्तों मैक्सिमम जो नीचे वाली प्रयक्ता होती है उसका आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं कि पासे के अंदर और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बना कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अंक आने की प्रयक्ता बताओ, दो अंक आने की प्रयक्ता बताओ, तीन अंक आने की प्रयक्ता बताओ, चार अंक आने की बताओ, पांच अंक आने की बताओ, छह अंक आने की बताओ। छह क्वेश्चन तो दोस्तों ये बन जाएंगे। ऐसे पूछेगा क्या, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अंक आने की प्रयक्ता बताओ, दो अंक आने की प्रयक्ता बताओ, तीन अंक आने की प्रयक्ता बताओ। अब दोस्तों यहां पर और भी क्या पूछ सकता है कि दो और तीन अंक आने की प्रयक्ता बताओ, इकट्ठा करके भी पूछ सकता है, तीन और पांच अंक आने की प्रयक्ता बताओ। दोस्तों घबराना नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एक पासे को जब एक बार उछाला जाता है तो मैक्सिमम केस अभी मैंने आपको बताए कि छह बनते हैं, कौन कौन से, एक दो तीन चार पांच और छह, ये दोस्तों छह केस बनते हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि जब मैं एक पासे को एक बार उछालूंगा तो इनमें से छह के अंदर से आंसर तो एक ही आएगा, ये तो है नहीं, पासा एक है, एक बार उछाला छे के छे फेस खिलर जाएंगे, हमें दिखेंगे तो क्या एक ही फेस, क्या होगा एक ही फेस जो दिखेगा वो गिरेगा दोस्तों। तो यहां पर ध्यान देना, आपने क्या बोलना है, चाहे एक अंक की प्रयक्ता, चाहे दो की, चाहे तीन की, चाहे पांच की, चाहे दो, आपने जो आंसर देना है वो एक बटे छे, एक बटे छे, एक बटे छे, एक बटे छे। दोस्तों जब भी एक पासे को एक बार उछाला जाएगा तो आपसे वो कुछ भी आंसर पूछ रखा है तो आपने एक बटे छे ही आंसर देना है। जैसे दोस्तों सिक्के वाला जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, आपसे कुछ भी पूछ ले, आपने आंसर क्या देना है, एक बटे दो, एक बटे, एक बटे दो ही देना है दोस्तों। अब दोस्तों जो मेन है वो बात करते हैं, जो मेन क्वेश्चन इस डाइस में से पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है दोस्तों, जब एक पासे को दो बार उछाला जाता है। यहां पर दोस्तों मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, क्या पूछेगा कि दो अंकों का योग पांच आने की प्रयक्ता बताओ, दो अंकों का योग तीन आने की प्रयक्ता बताओ, दो अंकों का योग सात आने की प्रयक्ता बताओ, दो अंकों का योग नौ आने की प्रयक्ता बताओ। ये दोस्तों काफी फेमस क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं। ऐसे दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि दो अंकों का अंतर दो आने की बताओ, दो अंकों का अंतर तीन, आज तक दोस्तों ये क्वेश्चन आया नहीं अंतर वाला, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। या दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि दो अंकों का योग सात से अधिक आने की प्रयक्ता बताओ, दो अंकों का योग सात से अधिक, आठ से अधिक, पांच से कम, तीन से कम। दोस्तों ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, शायद ये आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए वो कभी भी लाइफ के अंदर फेल नहीं होगा दोस्तों। तो अब यहां पर देखना, अब सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि एक पासे को जब दो बार उछाला जाता है तो कितने केस बनते हैं दोस्तों, छह के ऊपर दो लगाओ 36 केस। तो दोस्तों वो 36 के 36 केस आपको दिमाग में सेट होने चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एक एक, एक दो,
एक तीन, एक चार, एक पांच और एक छह, ऐसी दोस्तों दो एक, दो दो, दो पांच, दो छह, ऐसी दोस्तों तीन एक, तीन दो, तीन तीन हो गया, तीन चार, तीन पांच, तीन छह, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच और चार छह, ऐसे दोस्तों पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच और पांच छह, ऐसी छह एक, छह दो, छह तीन दोस्तों, छह चार, छह पांच और छह छह। ये लो दोस्तों, ये वो 36 केस हैं जब एक पासे को दो बार उछाला जाएगा। जिसको ये केस दोस्तों दिमाग में सेट होंगे वो इनका दोस्तों आंसर दे पाएगा, अदरवाइज दोस्तों इम्पॉसिबल है, एक तुक्का गैस लगा सकते हो। तो अब देखो दोस्तों, उसने पूछा है, अब आपको पता है नीचे तो आंसर 36 ही रहेगा मैक्सिमम जो प्रयक्ता है, दो अंकों का योग पांच आने की। अब इनमें देखो दोस्तों, दो अंकों का योग पांच कितनों में बनता है, एक तो एक चार का बनेगा, एक दो तीन का बनेगा, एक तीन दो का बनेगा और एक चार एक का बनेगा। दोस्तों ये चार ही केस होंगे जिनका योग क्या बनेगा, पांच बनेगा। तो आपका जो आंसर क्या आएगा, दो अंकों का योग पांच आने की प्रायिकता 4/36 और कट के क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/9 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों दो अंकों का योग तीन आने की प्रायिकता बताओ, तो एक दो का और दो एक, ये दो ही केस बनेंगे, 2/36 कट के क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/18। दो अंकों का योग सात आने की, तो सात देखो एक छह का, दो पांच का, तीन चार का, चार तीन का, पांच दो छह, ये दोस्तों छह केस बनेंगे जिनका योग क्या आएगा, सात आएगा। तो आंसर क्या लिखोगे, 6/36, तो 1/6 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों अंतर का आ जाए तो देख लेना, दो अंतर किसका बनता है, जैसे एक तीन का बन जाएगा, ऐसे दोस्तों दो चार का बन जाएगा, काउंट कर लेना। दो अंकों का योग सात से अधिक, तो दोस्तों पहली रो आपकी नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर योग सात तक है। दूसरी रो में दोस्तों सिर्फ दो छह आएगा क्योंकि दो और छह को जोड़ोगे आठ, ये सात से अधिक है। तीसरी रो में दोस्तों तीन पांच और तीन छह आएगा, तीसरी में चार चार, चार पांच चार, इस तरह से दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, कुछ भी पूछा गया हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है डाइस के बारे में, तो ये दोस्तों मैंने भी क्वेश्चनों को बनाया, आप भी इस तरह से क्वेश्चन खुद बना सकते हो। आपको दोस्तों बुक में से देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दोस्तों कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, निकालने मत सीखो दोस्तों, अगर बनाने आ गए तो निकाल भी लोगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का पहला पार्ट जो हमने दोस्तों आज क्या किया, खत्म करा। तो अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करना और शेयर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।